बच्चों सेंस ऑफ एनिमल्स, ये आपका टॉपिक चल रहा है, ईवीएस का लेसन 3 है जो आपका चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको सेंस के बारे में बताया था, तो अब जो है आपका सेंस ऑफ स्मेल, ये टॉपिक आपका चल रहा था, उसमें तो थोड़ा सा आपका अधूरा रह गया। तो स्नैक स्मेल विद देयर टंग्स, स्नैक यानी कि सांप, तो सांप जो है स्मेल करता है विद देयर टंग्स, यानी कि अगर वो सूंघता है, अगर कोई स्मेल करता है तो वो टंग के द्वारा करता है, ठीक है। व्हेन अ स्नैक स्टिक आउट इट टंग इट स्मेल इट्स सराउंडिंग, जब स्नैक स्टिक आउट इट्स टंग, स्टिक का मतलब होता है चिपकना, लेकिन यहाँ पर जो है कि जब स्नैक अपनी टंग को यानी कि जीभ को जब बाहर की तरफ निकालता है, इट स्मेल इट्स सराउंडिंग, तो उसकी जो स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाती है। जब वो अपनी जीभ को बाहर निकालता है, जैसे वो बाहर निकालता है, तो जब वो बाहर निकालेगा तो उसकी जो स्मेल है, बदबू है, खुशबू है, जो भी है, वो सब बाहर निकल जाती है। द मॉइस्ट टंग कलेक्ट सेंट एंड स्मॉल ऑर्गेनाइज फ्रॉम वाट एवर इज टच एंड फ्रॉम देयर एयर अराउंड इट्स। द मॉइस्ट टंग, मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, जब वो नमी वाली जो जीभ है, जब जीभ बाहर निकालता है तो उसमें जो नमी आती है, तो नमी जब जीभ नमी की तरफ बाहर निकलती है तो कलेक्ट सेंट, सेंट मैंने खुशबू, तो उसकी खुशबू से जो वो खुशबू को बाहर कलेक्ट करता है, एंड स्मॉल ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यानी कि जीव, तो जो छोटे छोटे जीव हैं, फ्रॉम वाट एवर इट टच एंड फ्रॉम द एयर अराउंड इट, तो वो हवा के चारों ओर फैल जाते हैं, किससे, उसकी सेंट से, उसकी खुशबू से। कि जब मॉइस्ट टंग, मॉइस्ट टंग यानी कि मॉइस्ट का मतलब टंग, यानी कि उसकी जो टंग्स है वो मॉइस्ट टंग जो होती है वो जब बाहर की तरफ निकलती है तो वो खुशबू करती है, तो वो खुशबू चारों तरफ फैलती है, तो उससे जो छोटे छोटे जीव हैं वो उससे बाहर की तरफ यानी कि हवा की तरफ वो फैल जाते हैं। स्नैक कैन डिटेक्ट वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड एंड डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्रे ऑफ डेंजर बाय इट्स मूवमेंट, यानी कि जो सांप है उसको डिटेक्ट कर देता है वाइब्रेशन, यानी कि जब आवाज़ आती है यानी वो वाइब्रेट होती है थ्रू द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर जब वो वाइब्रेट होता है, जब चलता है वो, तो वाइब्रेट करता हुआ चलता है। डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्रे और डेंजर बाय इट्स मूवमेंट, तो वो जब उसको मूवमेंट करता है, उसको जाता है, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि खतरे वाला होता है, तो वो फैलता है। ये स्नैक का, इसके बाद है सेंस ऑफ टच, टच का मतलब हो गया स्पर्श यानी कि छूना, टच यानी कि छूना। एनिमल हैव आल्सो इवॉल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ द टच ऑर्गेनाइज, जानवर ज्यादातर यानी कि जानवरों में इवॉल्व द वाइड वैरायटी, यानी कि बहुत ज्यादा वैरायटी होती है ऑफ टच ऑर्गन, यानी कि छूने की, क्योंकि उनकी जो टचिंग की जो सेंस होती है वो सब में अलग अलग होती है, बहुत वैरायटी होती है। किसी को छूने से एकदम उठ जाते हैं, किसी को छूने से स्पर्श हो जाता है, यानी कि बहुत सारी, इंक्लूडिंग विस्कर एंड अटेंड विच दे यूज द नेविगेट फाइंड फूड और इवन कम्युनिकेट, यानी कि वो अपने समुदाय में यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं इकट्ठे जो होते हैं, और खाने की खोज के लिए ये जो जो चीज़ें होती है, जैसे खाने, क्योंकि जानवर जो होता है वो तो खाना और रहना, तो वो खाने के लिए और कम्युनिटी यानी कि अपने वातावरण के लिए जहाँ पर वो रह रहा है, तो उसके लिए उनकी टचिंग वैरायटी बहुत होती है। कैट यूज द हेयर इन देयर फेस, और जो बिल्लियाँ होती हैं तो वो अपने फेस पर जो बाल होते हैं उसको यूज करती है टचिंग के लिए, स्पर्श के लिए, जो स्पर्श महसूस होता है वो किसके लिए, यानी कि जो उनके बाल अपने फेस पर जो होते हैं उनसे। बिल्ली को तो आपने देखा होगा जब वो उनके जो फेस पर जो बाल होते हैं जब वो हिलाती है तो वो टचिंग का यानी कि स्पर्श का महसूस करती है, तो वो बालों पे, जो उसके फेस पे जो बाल होते हैं वो उनका प्रयोग करती है। द लॉन्ग हेयर ऑन द कैट्स फेस एंड कॉल्ड विस्कर्स,
यानी कि जिसके लंबे बाल होते हैं फेस के ऊपर उसको बोलते हैं विष्कर। कैच यू देयर विष्कर टू लेट देम नाउ टू देयर कैन फिट थ्रो स्मॉल ओपनिंग। यानी कि वो जो यूज करती है कैट यूज देयर विष्कर टू लेट देम नाउ ऑफ द कैन फिट स्मॉल ओपनिंग। ये तो हो गया सेंस ऑफ टचिंग। अब है सेंस ऑफ टेस्ट यानी कि खाने का। अगर वो कोई खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है वो टेस्ट को कैसे महसूस करते हैं, किस तरह वो यूज करते हैं, तो उनका वो अलग अलग विजन होता है। यानी कि हर जानवरों का, हर जंतुओं का, क्या वो पानी में रहने वाले हों, क्या वो आकाश में रहने वाले हों, क्या वो लैंड पर रहने वाले हों, तो सबका सेंस ऑफ टेस्ट अलग अलग होता है। तो स्नैक समलेजार्ड एंड कैट कैन स्मॉल विद देयर टंग्स। यानी कि सांप, कुछ लिजार्ड यानी कि छिपकलियाँ एंड कैट, तो ये सभी जो होती हैं जो टेस्ट करती हैं वो अपनी टंग के द्वारा करते हैं, टंग यानी कि अपनी जीभों के द्वारा। दे हैव व्हाट इट्स कैन आ जैबकॉन ऑर्गेन द रूफ ऑफ द माउथ। दे वाट द कॉल्ड आर द जैकोबसन ऑर्गेन ऑन द रूफ देयर माउथ। यानी कि वे सभी जो इस चीज को करते हैं, जो कहते हैं, तो उनको कहते हैं जैक्सन ऑर्गेन्स रूफ ऑफ देयर माउथ। यानी कि ये जो सभी होते हैं ये दीवारों पर चढ़ते हैं, तो जो दीवारों पर चढ़ते हैं तो वो अपनी छतों पर चिपक जाते हैं, तो वो अपने माउथ को रूफ के साथ पकड़ते हैं, यानी कि छतों पर। जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड कहाँ रहती है, उनके जो स्पर्श का जो वो होता है वो बिल्कुल दीवारों पर रहता है, यानी कि दीवार के ऊपर जो चढ़ते हैं। जैसे स्नैक है, तो ये सब क्या होते हैं, दे हैव टू कॉल द जैक्सन ऑर्गेन ऑन द रूफ ऑफ देयर माउथ। यानी कि अपने माउथ के द्वारा वो रूफ यानी कि छतों के ऊपर चिपक जाते हैं। वैन अ टंग ब्रॉट बैक द माउथ, यानी कि जब वो अपनी जीभ को ब्रॉट बैक पीछे की तरफ ले जाते हैं, जब वो खींचते हैं सांप की छिपली, छिपली को तो आपने देखा ही होगा दीवार पे, जब वो अपनी टंग को बाहर की तरफ निकालती है तो कोई भी उसके सामने आता वो एकदम खींच लेती है। तो वैन द टंग द ब्रॉट बैक ऑन द माउथ, जैसी वो ब्रॉक पीछे की तरफ लाती है अपने मुंह के, तो इट प्लेस द जैक्सन ऑर्गन इंस्पेक्टेड द ब्रेन बाय द ब्रेन। तो उस स्थान पर जब वो उसको ऑर्गेन करती है, उसको बनाती है, तो इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन, तो वो सीधा अपने माइंड में इंटरप्रेट कर देती है, उसको समझ लेती है। क्लियर बच्चों? सम इनवर्टेबल लाइक बटरफ्लाई, यानी कि कुछ इस तरह के जंतु हैं जैसे बटरफ्लाई, टेस्ट विद डिफरेंट सेंस ऑर्गन। जो बटरफ्लाई है यानी कि तितलियां जो होती हैं, वो अपने टेस्ट को डिफरेंट सेंस के साथ अपने पैरों से, देयर फीट यानी कि अपने पैरों में स्थित करती हैं। भाई लिजार्ड है, स्नैक है, कैट्स है, ये कैसे करते हैं, अपनी टंग के द्वारा और अपनी हेयर के द्वारा। लेकिन बटरफ्लाई जो होती है ये अपने पैरों के द्वारा स्थित जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको वो अलग अलग तरह से वो टेस्ट करती है। फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, और जो मेंढक, फ्रॉग माने मेंढक, तो मेंढक स्टिक, फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिक टंग दैट हैव हेल्प कैप्चर प्रे। तो फ्रॉग जो होता है यानी मेंढक जो होता है वो अपनी लंबी टंग के द्वारा, लंबी जीभ के द्वारा वो पकड़ने में सहायता करता है, यानी कि उसको पकड़ता है तो वो सेंस करता है उसको। कैट्स एंड सम अदर एनिमल, यानी कि बिल्लियां और अलग जो जानवर हैव द लिटिल हेयर, अपने छोटे बालों के द्वारा द हेल्प ग्रूम देम सेल्वस, यानी कि एक कम ग्रूम देम सेल्वस का मतलब यानी कि जो अपने बालों को, छोटे छोटे जो हेयर्स हैं ऑन देयर टंग, तो वो अपनी जीभ के द्वारा उनको सहायता करते हैं, उनको पकड़ने में सहायता करते हैं। जैसे कि एक कंघा, बालों में जब कंघा जाता है तो वो जो कंघे को पकड़ते हैं बाल को, तो उसी तरह उनकी जो टंग होती है वो भी उसी तरह काम करती है। पर सेंसेस, कुछ एनिमल यानी कि सम एनिमल्स हैव सेंसेस दैट आर मच मच स्ट्रोंगर देन आवर सेंसेस। यानी कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा
सेंसेस यानी समझदारी करते हैं, बट मच स्ट्रॉन्गर देन आवर सेंसेस, जो हमारी सेंसेस से भी ज्यादा होते हैं। सुपर साइट यानी कि सुपर देखना, यानी कि बहुत अधिक इतनी दूर की वस्तु भी हो तो वो भी वो देख लेते हैं। बर्ड्स हैव सम ऑफ द बेस्ट आईज ऑफ द ऑल एनिमल, जो पक्षी होते हैं वो सभी जानवरों से उनकी आई बहुत तेज होती है। दे लुक अप फॉर फूड ऑन द ग्राउंड वाइल दे आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, तो वे अपने खाने को उड़ते हुए आकाश से उड़ते हुए और जमीन पर इतनी दूरी से देख लेते हैं कि उन्हें अपना खाना एकदम दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत दूरी आकाश से और जमीन की दूरी कितनी होती है, लेकिन वो फिर भी उसको देख लेते हैं, लेकिन वो पक्षी होते हैं आकाश से। एन ईगल कैन स्पॉट ऑन द प्रे फ्रॉम अप टू द माइल अवे, और ईगल यानी कि बाज, बाज होता है ऑन द स्पॉट, यानी कि बिल्कुल जिस टाइम वो देखेगा उसी टाइम उसको कितनी भी दूर वस्तु हो वो उसे दिखाई देती है। क्लियर बच्चों, आज मैंने आपको सेंस, सुपर साइट और टेस्ट के बारे में बताया है। नेक्स्ट आपको कल बताएंगे उसके बाद।